वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? ठीक है, तो पहला का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हॉब्स व लॉक। अगला क्वेश्चन है, नागरिक निष्क्रियवाद पथभंध प्रतिपादित किया? ठीक है, तो 4 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये, जुगरन हैब्रमास ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे हैं? तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, वारसा संधि किस देश के सैनिक गुट था? ठीक है, वारसा संधि जो था वो किस देश का सैनिक गुट था? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सोवियत संघ का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, मई 1945 में राई अस्टैग बिल्डिंग पर जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम था? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, सोवियत संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये, दूसरी दुनिया का अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो 10 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है 11 नंबर, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ओके, तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसिगिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सॉरी सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, तो 12 का जो सही आंसर है वो क्या है? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हेलसिंकी में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑन लाइब्रेटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, JS मिल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइवो जीव की लड़ाई जिन दो देशों में हुई थी वे थे? तो 14 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये, जापान और अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो 15 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बुश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, फ्रांसीसी फुकुयामा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो 17 का जो सही आंसर है
यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, तो कि इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो 18 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। तो 19 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, तो यूरोप का आर्थिक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। तो 20 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। तो 21 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रश्न क्या है 22, तो क्वेश्चन है यूरो क्या है, ठीक है, यूरो जो है वो क्या है। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा, ठीक है। यूरो जो है वो क्या है, तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है, ठीक है। तो 23 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल का। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य में संविधानवाद की पवनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है, ठीक है। तो 25 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है सार्क का सदस्य, तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1996 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई। तो 28 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस में कितने देश हैं। तो 29 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 8 देश हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो यू थॉन्ट थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जिनोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी में, ठीक है, 33 का सही आंसर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैग हैमरसोल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। ओके, और ये जो 36 नंबर प्रश्न है, आगे का जो प्रश्न है 36, 37, 38, ये सभी प्रश्न हम लोग पार्ट टू वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो पार्ट टू वीडियो है वो बहुत जल्दी ले आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।